किसी महापुरुष ने सही कहा है कि अगर आपको एक आईफोन लेना है तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बाय आईफोन। एंड एक्चुअली में जितने भी बड़े और बेस्ट ऑफर्स आते हैं वो अमेजोन फ्लिपकार्ट की तरफ से अराउंड द एंड ऑफ द ईयर ही आते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे बात करी अभी आईफोन ऐसी सेकेंड जनरेशन की कि कैसे आप उसको सिर्फ 13,499 के प्राइस पे खरीद सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेरा फेवरेट एंड काफी और लोगों के फेवरेट आईफोन 11 की कि कैसे आप उसको सिर्फ 29,929 के प्राइस पे खरीद सकते हैं। है ना एक अच्छा प्राइस फिगर। तो वीडियो में एंड तक जुड़े रहे, देखें कि कैसे आप आईफोन 11 इतने अच्छे प्राइस पे ब्लॉकबस्टर डील में खरीद सकते हैं। यहाँ पे अमेज़न ने ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में आईफोन 11 64GB वाले वेरिएंट का प्राइस कर दिया है 47,999। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि iPhone 12 भी लॉन्च होने वाला है, तो शायद एक रीजन वो भी है कि iPhone 11 के प्राइस को कट डाउन कर दिया गया है। सो यहाँ पे 47,999 के प्राइस पे आपको साथ ही में HDFC के कार्ड पे डिस्काउंट भी मिल जाएगा, जिसकी वजह से आप 1,750 का डिस्काउंट लगा के iPhone 11 64GB सिर्फ 46,249 के प्राइस पे खरीद सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपना iPhone 8 डालते हैं एक्सचेंज वैल्यू में Amazon पे तो आपको मिल रहे हैं सिर्फ 7,350 रुपीज एज एक्सचेंज वैल्यू, जो कि मुझे लगता है काफी कम है क्योंकि कैशफे आपको दे रहा है इससे बहुत ही ज्यादा बेटर रीसेल वैल्यू। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें कि आप Amazon के एक्सचेंज के बाद कितने का मिल जाता है, तो आपको मिलता है एक 47,999 के बाद 1750 का डिस्काउंट, जो कि प्राइस हो जाता है यहाँ पे 46,249। और उसके बाद अगर हम मैं 7,350 माइनस कर दूं तो यहाँ पे आपको iPhone 11 पड़ जाएगा 38,899 का। बट अगर आप इतने से ही सेटिस्फाई नहीं होते तो आप अपना पुराना फोन एक्सचेंज में ना दें Amazon को, अपना पुराना फोन बेचें iPhone 8 सिर्फ कैशिफाई पे, क्योंकि कैशिफाई आपको देगा ऑलमोस्ट डबल वैल्यू। यहाँ पे आपको मिलेगी कैशिफाई पे आपके आईफोन 8 अच्छी कंडीशन वाले फोन की 16,320 वैल्यू। तो यहाँ पे अगर आप 46,249 में से 16,320 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पे सारी मैथ्स करने के बाद आपके आईफोन 11 की वैल्यू आ जाती है 29,929। यहाँ पे इतने अच्छे अंडर 30,000 के प्राइस में आप आईफोन 8 से आईफोन 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। सीधा ही यहाँ पे आप 2018 से 2020 में जंप मार सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे iPhone 11 2020 में भी एक बहुत अच्छा फोन माना जाता है। बट अगर आपसे गलती हो जाए और आप Amazon की ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल से iPhone 11 ना खरीद पाए तो भी यहाँ पे कोई चिंता करने वाली बात नहीं है, क्योंकि आप Apple स्टोर से भी जाके बहुत अच्छे प्राइस पे एक iPhone 11 में अपग्रेड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपका जो एप्पल ने ऑफिशियल प्राइस कर दिया आईफोन 11 का वो कर दिया 64GB वेरिएंट का 54,900 रुपीज। यहाँ पे अगर आप एक पुराना आईफोन देके आईफोन 8 देके अगर एक्सचेंज करते हैं आईफोन 11 में तो आपको यहाँ पे एडिशनल एक्सचेंज वैल्यू मिलती है ₹6,000 की, जिससे कि प्राइस यहाँ पे हो जाता है 48,900 रुपीज का। बट अगर आप आईफोन 8 एक एप्पल स्टोर पे बेचते हैं एज एन एक्सचेंज वैल्यू या फिर आप कैशिफाई पे बेचते हैं फॉर रीसेल वैल्यू, तो आपको दोनों ही जगह पे 16,320 रुपीज का बहुत ही अच्छा यहाँ पे रीसेल वैल्यू मिल जाता है आपके आईफोन 8 का। सो यहाँ पे अगर हम टोटल कॉस्टिंग बिठाएं तो आपके आईफोन 11 की बैठ जाती है पूरी मैथ्स लगाने के बाद 32,580 रुपीज की। सो यहाँ भी कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हो रहा है, आपको बहुत ही अच्छा प्राइस मिल जाता है एप्पल स्टोर से एक आईफोन 11 में अपग्रेड करने का आफ्टर दी एक्सचेंज। बट यहाँ पे एक और चीज नोट करने वाली है कि आप प्रीमियम एप्पल रीसेलर से अगर एक आईफोन 11 खरीदते हैं तो बहुत ही जल्दी एक और ऑफर आने वाला है जो कि फेस्टिव ऑफर है, जिसमें आपको मिल सकते हैं एयरपॉड्स फ्री। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो अगर आप यहाँ पे ग्रेट इंडिया फेस्टिवल सेल में मिस भी कर देते हैं आईफोन 11 लेना तो आप एप्पल प्रीमियम रीसेलर से खरीद सकते हैं, जिसमें इंक्लूडेड है यूनिकॉर्न, ट्रिसोर, विजय सेल्स, इमेजिन इन्वेंट एंड काफी सारे एप्पल स्टोर्स, तो आप वहां पे जाके ये ऑफर रिडीम कर सकते हैं। So, इस वीडियो में हमने बात करी आईफोन 11 की, अगले वाले वीडियो में चलेंगे और बात करेंगे आईफोन 10R की, जो कि पिछले साल बहुत हिट रहा था, बैक टू बैक सेल्स में काफी अच्छे प्राइसेस आए थे और इस साल भी आईफोन XR बहुत अच्छे प्राइस में मिलने वाला है। सो पार्ट 3 देखना ना भूलें।